यामिनी गुस्से में नम आंखों के साथ कहती है, क्योंकि उस काले साई को मारने से पहले युग बाबू मुझे आपको मारना पड़ेगा। जैसे ही यामिनी ये बात बोलती है, युग, अभिमन्यु और कछुआ तीनों के ही पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यामिनी की बात सुनकर तारा भी डर गई थी। युग अपनी आंखें बड़ी करते हुए यामिनी को देख हकलाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने यामिनी, मुझे मारना पड़ेगा? यामिनी रोते हुए कहती है, हाँ युग बाबू, मुझे आपको मारना पड़ेगा और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, ऐसा कैसे हो सकता है? उस काले साए का अंत तो तारा के हाथों होना था ना, अब तो उसकी शक्तियां भी जागृत हो गई हैं, फिर युग को क्यों मरना पड़ेगा? यामिनी नम लहजे में ही कहती है, पहले मुझे भी यही लगता था कि तारा की शक्तियां अगर जागृत हो गई तो उस काले साए का अंत हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है अभिमन्यु। यामिनी अपने बाबा की बातों को याद करते हुए कहती है, बाबा ने मुझसे कहा था कि अगर उस काले साए का कोई अंत कर सकता है तो वो तू और तारा ही है, पर उसके लिए मुझे तारा की शक्तियां जागृत करनी पड़ेगी और मैं वही जागृत करने में लग गई थी। यामिनी अपनी बात कही रही थी कि तभी उसे युग बीच में टोकते हुए हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, तो अब तारा की शक्ति जागृत तो हो गई है यामिनी, फिर तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? चलो खत्म कर देते हैं उस काले साए को। यामिनी गुस्से के साथ युग से कहती है, युग बाबू, पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इतना आसान नहीं है उस काले साए को मारना जितना आप लोगों को लग रहा है। अगर यक्षिणी सबकी मौत है तो वो काला साया सबका काल है, काल। यामिनी का गुस्सा देखकर युग भी खामोश हो जाता है। वो समझ जाता है कि जरूर कोई बहुत बड़ी बात होगी जिस कारण यामिनी उस पर गुस्सा कर रही थी, उसे चुप रहने को बोल रही थी। यामिनी अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, बाबा ने मुझे बताया था कि विधि विधान के अनुसार जब दो दैवीय शक्तियां आपस में मिलती हैं तो एक नई दैवीय शक्ति का जन्म होता है और उसी नई दैवीय शक्ति से बुराई का अंत होगा। अभिमन्यु यामिनी की बात को समझते हुए कहता है, मतलब तुम ये कहना चाहती हो यामिनी कि जब तुम्हारी और तारा दोनों की शक्तियां एक साथ मिलेंगी तो एक नई शक्ति बनेगी और उससे उस काले साए का अंत होगा? यामिनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ अभिमन्यु, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। यामिनी मायूसी के साथ कहती है, पर उस रात जब मैं अपना ताज लेने ग्रेवयार्ड को ठीक गई थी और उस काले साए से लड़ रही थी तो लाख कोशिश करने के बाद भी उसे हरा नहीं पा रही थी, जानते हैं क्यों युग बाबू? युग यामिनी को ही हैरानी के साथ देखते हुए कहता है, क्यों यामिनी? यामिनी जवाब देती है, क्योंकि मैं एक अभिशापित यक्षिणी हूँ। उस रात मेरी शक्तियां उस काले साए को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी बल्कि और ताकतवर बना रही थी। उस पर मेरी शक्तियों का कुछ असर ही नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे पास एक डायन की शक्तियां हैं और डायन के पास काली शक्तियां होती हैं, ना कि दैवीय। डायन की शक्तियां उस काले साए को मजबूत बनाती हैं क्योंकि वो खुद काली शक्तियों से बना है, वो काली शक्तियों का पुंज है। यामिनी अपनी बात खत्म करते हुए कहती है, विधि के विधान के अनुसार जब दो दैवीय शक्तियां मिलती हैं तब जाकर एक नई शक्ति उत्पन्न होती है और मेरे पास तो दैवीय शक्ति ही नहीं है, काली शक्ति है, डायन की शक्ति, अपने अभिशाप के कारण। यामिनी की बात खत्म करते ही युग अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहता है, तुम्हारे पास डायन की शक्ति हुई तो क्या हुआ? तुम्हारे ताज के अंदर तो दैवीय शक्ति है ना, तो फिर तो उस काले साए का अंत हो सकता है ना? दो दैवीय शक्तियां तो हैं हमारे पास। यामिनी फिर युग को समझाते हुए कहती है, युग बाबू, ताज में दैवीय शक्ति हुई तो क्या हुआ? उस ताज को धारण करने वाली मैं तो अभिशापित हूँ ना। उस ताज को धारण करने के बाद मुझे ताज की शक्तियां तो मिलेंगी पर वो भी काली हो जाएंगी मेरे अभिशाप के कारण। यामिनी की बात सुनकर युग मायूस हो जाता है। उसके पास उस काले साए को मारने की जितनी उम्मीदें थी सारी टूट चुकी थी, और जब उम्मीदें टूटती हैं तो इंसान भी टूटने लग जाता है, और वही हाल इस वक्त युग का था। यामिनी बीती बातों को याद करते हुए कहती है, उस रात वो काला साया चीख चीख कर कह रहा था कि यक्षिणी, अगर तुझे तेरा ताज मिल भी गया तो भी तू मुझे नहीं मार पाएगी, एक अभिशापित यक्षिणी कभी मुझे नहीं मार सकती है। उसी वक्त मुझे लगने लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर थी, और उस रात मैंने खुद महसूस किया था कि मेरी शक्तियां उसे और मजबूत बना रही थी। बाबा हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते थे कि तुझे तेरे अभिशाप से मुक्ति पानी होगी, ये बहुत जरूरी है, अभिशाप से मुक्ति पाए बिना कुछ नहीं हो सकता। अब पता चल रहा है कि वो ऐसा क्यों बोलते थे, शायद उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि मैं आगे ऐसी मुसीबत में फंस सकती हूँ। मैं तारा की शक्तियां तो जागृत कर दूंगी पर अपने अभिशाप से मुक्ति नहीं पाऊंगी, और जब तक मुझे मेरे अभिशाप से मुक्ति नहीं मिलेगी मैं उस काले साए का अंत नहीं कर पाऊंगी।
उस काले साए का अंत करने के लिए मुझे पवित्र यक्षिणी की शक्ति चाहिए, न कि अभिशापित यक्षिणी की। इतना कहकर यामिनी खामोश हो जाती है। यामिनी के खामोश होने के साथ ही मंजर में खामोशी छा जाती है। सबके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। योगनम आंखों के साथ यामिनी को देखते हुए कहता है, मतलब उस काले साए को मारने के लिए पहले तुम्हें तुम्हारे अभिशाप से मुक्ति चाहिए, है ना यामिनी? यामिनी कुछ जवाब नहीं देती है, बस युग की आंखों में देखती रहती है। यामिनी की नम आंखों को देखकर युग समझ गया था कि यामिनी का क्या जवाब था। युग फिर कहता है, तुम्हें तुम्हारे अभिशाप से मुक्ति कैसे मिलेगी यामिनी? युग के ये बात कहते ही यामिनी की आंखों में आंसुओं की तादाद बढ़ जाती है। यामिनी खामोशी रहती है। युग को यामिनी की नम आंखों में अपना चेहरा दिखने लग गया था। युग हिम्मत के साथ यामिनी से कहता है, तुम्हें तुम्हारे अभिशाप से मुक्ति मुझे मारकर मिलेगी ना यामिनी? युग के ये बात कहते ही यामिनी की आंखों में जो आंसुओं का सैलाब जमा हुआ था वो बहना शुरू हो जाता है। एक ऐसा प्रवाह जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। युग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, अगर उस काले साए का अंत करने के लिए मुझे मरना ही है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ यामिनी। मुझे मार दो यामिनी और पा लो तुम अपने अभिशाप से मुक्ति। युग की बात सुनकर अभिमन्यु और कछुआ भी घबरा गए थे। यामिनी रोते हुए कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं युग बाबू, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अभिमन्यु बोल पड़ता है, ये तू क्या बोल रहा है युग, ऐसा कैसे हो सकता है, तू होश में तो है? युग अभिमन्यु की बातों पर कुछ ध्यान ही नहीं देता है, जैसे उसके लिए वहां पर उस वक्त सिर्फ यामिनी मौजूद हो और कोई नहीं। युग अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, एक यही रास्ता है यामिनी, तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें तुम्हारे अभिशाप से मुक्ति मुझे मारकर ही मिल सकती है। इससे पहले कि वो काला साया सबका काल बने और लड़कियों का शिकार करे, तो मुझे मार दो यामिनी, मार दो। यामिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं युग बाबू, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको नहीं मारूंगी। युग यामिनी की आंखों में देखते हुए कहता है, उस काले साए का अंत करने का एक यही रास्ता है यामिनी, मार दो मुझे, मार दो। उस काले साए को मारने के लिए किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी ही थी ना, और वो कुर्बानी मैं दूंगा, मार दो यामिनी, मार दो मुझे। युग बार बार यामिनी को उसे मारने पर मजबूर कर रहा था, पर यामिनी थी कि विवश होकर रोते हुए ना में अपना सिर हिलाते जा रही थी। युग फिर कुछ कहता उससे पहले अभिमन्यु बीच में बोल पड़ता है, नहीं युग, किसी को कुछ कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं है। यामिनी को उसके अभिशाप से मुक्ति भी मिलेगी और उस काले साए का अंत भी होगा। युग तुरंत अभिमन्यु की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, कैसे अभिमन्यु, कैसे? अभिमन्यु जवाब देता है, अभी मुझे कुछ नहीं पता युग, लेकिन कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, मुझे बस थोड़ा वक्त दे, यूं जल्दबाजी में कोई फैसला मत ले। युग कुछ कहता उससे पहले ही अभिमन्यु यामिनी की तरफ देखते हुए कहता है, यामिनी तुमने ही कहा था ना कि तुम्हारे अभिशाप से मुक्ति पाने का कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर है जिसे तुम तलाश रही थी। यामिनी हाँ में अपना सिर हिला देती है। अभिमन्यु युग से कहता है, युग तुझे मेरी बातों पर भले ही यकीन ना हो, पर यामिनी की बातों पर तो है ना, हर मंजिल पर जाने के एक से ज्यादा रास्ते हो सकते हैं युग, और यामिनी के अभिशाप से मुक्ति पाने का भी जरूर कोई ना कोई दूसरा रास्ता होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे युग, भरोसा रख। कछुआ भी अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है, हाँ युग, हम कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। अभिमन्यु यामिनी की आंखों के आंसुओं को देखते हुए कहता है, जरा यामिनी की तरफ देख युग, तुझे क्या लगता है, तेरे कहने पर वो तुझे मार देगी? कभी नहीं, ना यामिनी तेरे बिना जी सकती है, ना तू यामिनी के बिना जी सकता है, तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो, मैंने देखा है तुझे उसके लिए तड़पते हुए, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वो कभी एक दूसरे को मार नहीं सकते। अभिमन्यु की ये बात सुनकर युग का दिल भर आता है। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, ना तुम दोनों एक दूसरे के बिना जी सकते हो, ना हम तुम लोगों के, हम सब दोस्त हैं और एक भी दोस्त कम हो ये कोई नहीं चाहेगा, हम सब एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा हैं, इसलिए युग बस मुझे थोड़ा वक्त दे, यकीन रख मुझ पर, मैं कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। युग कुछ कहता उससे पहले ही तारा युग का हाथ पकड़ते हुए कहती है, हाँ युग, हम दूसरा रास्ता निकाल लेंगे, महादेव पर भरोसा कीजिए, माँ कहती है कि वो सबकी मदद करते हैं, हमारी भी जरूर करेंगे। जब युग तारा की आंखों में देखता है तो उसे उसकी आंखों में उम्मीद की किरण दिखाई देती है और वो अपना फैसला बदलते हुए हाँ में अपना सिर हिला देता है। कछुआ अपने आसपास देखते हुए कहता है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए वरना वहाँ हवेली में सब परेशान हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि हम वहाँ पर नहीं है। यामिनी कहती है, हाँ युग बाबू, आप तारा को लेकर जाइए
और कुछ दिनों तक उसे अपने पास ही रखिएगा। उसे हिफाजत की जरूरत है उस काले साए से। युग यामिनी को घूरते हुए कहता है, मैं तारा को लेकर जाऊं? क्या तुम हमारे साथ नहीं चल रही यामिनी? यामिनी मायूसी के साथ कहती है, पर मैं आपके साथ कैसे चल सकती हूँ युग बाबू? आप शायद भूल रहे हैं मैं एक यक्षिणी हूँ, मैं इंसानों के साथ कैसे रह सकती हूँ? युग तुरंत पलट कर कहता है, इंसान से प्यार कर सकती हो यामिनी, लेकिन इंसानों के साथ रह नहीं सकती। यामिनी परेशान होते हुए कहती है, आप समझ नहीं रहे हैं युग बाबू। युग कहता है, क्या समझूं यामिनी, मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहता, अब एक पल के लिए भी मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा। यामिनी कुछ कहती है उससे पहले ही अभिमन्यु बोल पड़ता है, हाँ यामिनी तुम भी हमारे साथ ही चलो, अब तुम भला कहाँ पर जाओगी, तुम्हारा भी तो हम सबके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। जब अभिमन्यु ये बात बोलता है तो यामिनी को वो पल याद आने लग जाता है जब वो अभिमन्यु को चोट पहुंचा रही थी ताकि युग झरने के पास से चले जाए, और आज उसी झरने के पास अभिमन्यु उसे अपने साथ चलने के लिए बोल रहा था। यामिनी अभिमन्यु को देखते हुए कहती है, अभिमन्यु मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया, फिर भी तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों के साथ चलूं? अभिमन्यु जवाब देता है, हाँ यामिनी, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि तुमने उस दिन जो कुछ भी किया था वो हमारी रक्षा के लिए किया, उसके पीछे तुम्हारी मंशा हमें बचाने की थी। तुम्हारी दास्तां सुनकर मुझे भी पता चल गया है कि तुम बुरी नहीं हो, तुम तो एक ऐसे अभिशाप को भोग रही हो जिसकी तुम हकदार ही नहीं हो। जिस तरह युग हमारा दोस्त है उसी तरह अब तुम भी हमारी दोस्त हो, हम सब एक ही हैं। कछुआ भी अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है, हाँ यामिनी, और अब इस अभिशाप से मुक्ति पाने में हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, जिस तरह तुमने वर्चू और तारा की मदद करी। अब ये लड़ाई तुम्हारे अकेले की नहीं है, हम सबकी है। और तुमने ही कहा ना, अभी तारा को हिफाजत की जरूरत है। मुझे नहीं लगता जितने अच्छे से तुम तारा की हिफाजत कर सकती हो उतनी हम में से कोई कर सकता है। यामिनी अपनी बात रखते हुए कहती है, तुम सब समझ नहीं रहे हो मैं कैसे तुम सबके साथ रह सकती हूँ, अगर किसी ने मुझे देख लिया तो। युग तुरंत यामिनी को बीच में टोकते हुए कहता है, तो प्रॉब्लम ये है, तुम इस बात से डर रही हो ना कि अगर तुम्हें हवेली में किसी ने देख लिया तो क्या होगा। यामिनी कहती कुछ नहीं, बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। युग यामिनी को देखते हुए कहता है, अगर किसी को पता ही नहीं चले कि तुम हमारे साथ हवेली में रह रही हो तो। यामिनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, पर कैसे युग बाबू, ये कैसे मुमकिन है। युग यामिनी का हाथ थामते हुए कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो यामिनी, बस मेरे साथ चलो, अब मैं तुम्हारा ये हाथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यामिनी का एक हाथ युग ने थामा हुआ था, यामिनी दूसरे हाथ से तारा का हाथ थाम लेती है और वो तीनों एक साथ आगे कदम बढ़ाने लग जाते हैं। उन्हीं के पीछे पीछे कछुआ और अभिमन्यु भी जाने लग जाते हैं। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।